नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। इस वक्त सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करो दर्शकों, बड़ी खबर सीएम फेस को लेकर। दरअसल सीएम फेस पर खाचरियावास ने जो कहा है वो अब बहुत मायने रखता है राजस्थान की सियासत में। तो चलिए आपको जरा बता देते हैं पूरा मामला है क्या। कांग्रेस बिना सीएम फेस के सामूहिक लीडरशिप में चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए मंत्री भी दावेदारी करने लगे हैं। कांग्रेस में सीएम फेस के सवाल पर खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, कितने चेहरे तो हैं, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद डोटासरा, मेरा चेहरा क्या बुरा लग रहा है क्या? कांग्रेस में चेहरा एक है, सबसे आगे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा है। खाचरियावास प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। आपको बता दें, खाचरियावास ने कहा कि हमारे चेहरे तो पीछे कार्यकर्ता बन कर चल रहे हैं, मुख्यमंत्री काम अच्छा कर रहे हैं, अगुवाई तो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ही करते हैं। हमारे यहाँ सिस्टम है कि विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जो होता है उसके नेतृत्व में ही काम करते हैं। कांग्रेस हमेशा सामूहिक लीडरशिप में ही चुनाव लड़ती है। कांग्रेस के कल दिल्ली में हुई बैठक के बाद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि कांग्रेस में सीएम फेस पहले घोषित नहीं किया जाता है, तो ये अब चीज कहते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस विधायक भगत सिंह ने भी पिछले दिनों प्रताप सिंह खाचरियावास को सीएम फेस की संभावना वाला नेता बताया था। भरत सिंह ने कहा था कि युवाओं में सचिन पायलट ही चेहरा नहीं है, और भी नेता हैं, उन्हें भी आगे बढ़ाना चाहिए। प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, उनमें क्षमता है और संभावना भी है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए दर्शकों, तो अब राजस्थान में जो कांग्रेस की मसला है वो भले सुलझे न सुलझे, लेकिन एक मोटो हो गया है कि चुनाव के बीच में या चुनाव से पहले कोई भी लफड़ा देखना नहीं चाहते हैं। देखते हैं अब इसका फ़ायदा या नुकसान पहुँचता है। हम आसिफ की रिपोर्ट, नेक्स्ट नाइन न्यूज़।